झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे बीते सोमवार को सामने आ गए, लेकिन इस बीच एक चौंकाने वाली खबर निकल कर सामने आई है कि झारखंड में MIM पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से BJP को बड़ा फायदा हुआ। इस तरह की खबरें भी सामने आई कि OBC ने जानबूझकर अपने कैंडिडेटों को चुनावी मैदान में उतारा ताकि BJP को फायदा मिल सके, लेकिन जब हमने इस खबर की पड़ताल की तो रिपोर्ट कुछ और ही सामने आई। दरअसल इस चुनाव में तो OBC की पार्टी का हाल तो बिल्कुल ना के बराबर रहा, नोटा से भी कई गुना पीछे OBC की पार्टी रही। दरअसल OBC ने झारखंड में 14 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा था, लेकिन इनमें से केवल एक ही सीट पर OBC की पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले और वो सीट थी डुमरी। इस सीट पर 24,132 वोट मिले। दिलचस्प ये है कि जिस डुमरी सीट पर OBC की पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले वहाँ भी BJP नहीं JMM के जगन्नाथ महतो जीते। जगन्नाथ महतो को 70,000 से ज़्यादा वोट मिले और BJP के प्रदीप कुमार साहू को 36,000। डुमरी के बाद बारकाठा में OBC के प्रत्याशी मोहम्मद अशरफ अंसारी को 18,416 वोट मिले और यहां से BJP प्रत्याशी जानकी प्रसाद यादव को जीत मिली। लेकिन यहां से महागठबंधन में RJD को सीट मिली थी और RJD उम्मीदवार मोहम्मद खालिद खलील 4,867 वोटों के साथ सातवें नंबर पर थे। वेब 20 न्यूज़ के लिए राहुल की रिपोर्ट।